हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्माइल विद टेस्ट पर, जहाँ पे आज लेकर आए हैं आपके लिए गणेश चतुर्थी स्पेशल बहुत ही अमेजिंग से मुंह में घुल जाने वाले मोदक की एक ऐसी रेसिपी जिसे आप 10 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इस रेसिपी को बनाएंगे। मोदक को हमने अलग अलग तरीके से गार्निश करा है और बनाने जा रहे हैं आपके लिए आज मलाई मोदक, जो बनाने बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। गैस पे चढ़ाया है एक बर्तन जिसमें हम ले रहे हैं दूध। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कप के नाप से दूध बता रहे हैं। वैसे पूरी रेसिपी में यहाँ पे हमने 1.25 किलो दूध यूज़ किया है, यानी 1 लीटर प्लस 250 ml हमने यहाँ पे यूज़ करा है। अभी इस समय यहाँ पे हम ले रहे हैं 3 कप दूध, यानी यहाँ पे हमने 1.25 किलो दूध लिया है, यानी हमने 750 ml दूध यहाँ पे ऐड करा है। गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और इसे हमने हाई फ्लेम पर बॉयल कर लेना है। और अब दूसरे पैन में ऐड कर रहे हैं 1/2 किलो दूध, यानी 500 ml जो हमारा दूध बचा है वो हमने दूसरे पैन में ऐड कर दिया है। इसकी भी फ्लेम को ऑन करेंगे। इसे भी अच्छे से बॉयल करके हमने गाढ़ा करना है। कोशिश यही करनी है कि इसे हाई फ्लेम पर गाढ़ा करें जिससे कि दूध पीला ना पड़े, क्योंकि अगर लो फ्लेम पर आप इसे गाढ़ा करेंगे तो इसका हल्का सा कलर येलोइश हो जाता है, वो पीलापन ना आए, क्योंकि हम बना रहे हैं मलाई मोदक। मलाई मोदक हमारे अच्छे वाइट होते हैं, बिना किसी वाइटनर के हम इसे बनाएंगे। तो हम इसे हाई फ्लेम पर ही अगर बॉईल करेंगे, हाई फ्लेम पर इसे पकाएंगे तो उसका कलर वाइट ही बना रहेगा। बस चलाते रहेंगे और इसे हमने हाई फ्लेम पर ही पका लेना है। हमारे दूसरे बर्तन का दूध में भी बॉईल आ गया है। गैस की फ्लेम को हमने बंद कर देना है और बस यहाँ पर ले रहे हैं 1 चम्मच भर के सफ़ेद सिरका, जिसमें हम मिला लेंगे थोड़ा सा पानी, यानी वाइट विनेगर लिया है पूरा 1 चम्मच भर के। वैसे तो आप सिरके को डायरेक्ट भी डालते तो भी ये फट जाता, लेकिन आप पानी मिला के डालेंगे तो हमारा पनीर बहुत ही अच्छा निकल कर आएगा, बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल मुलायम, जैसा पनीर जैसा टेक्सचर हमें चाहिए एक मीठा बनाने के लिए वो मिलेगा, और ना ही विनेगर का एक्सेस टेस्ट हमारा इसमें आएगा। इसे अच्छे से छान के वॉश कर लेंगे। वॉश करने से जो विनेगर का टेस्ट होगा वो भी हट जाएगा। और उसके बाद इसे करीब 10 मिनट के लिए हमने ऐसी रेस्ट पर रख देना है जिससे कि जो भी एक्सेस वाटर हो वो निकल जाए। छान कर रख दिया था जिससे कि कोई भी अगर एक्स्ट्रा वाटर इसमें हो तो वो निकल जाए। तो पनीर हमारा समय इस कंडीशन में है, 750 ml दूध का पनीर ही हमने निकाल के लिया है। करीब हमारे पास 125 से 150 ग्राम पनीर होगा। इसे हमने सारे को ही रफली तोड़ के ले लिया है एक मिक्सी जार में। साथ में ही यहाँ पे हम ले रहे हैं 1/4 कप, यानी करीब 50 ग्राम चीनी यहाँ पे हमने ऐड करी है। 1/4 कप यहाँ पे हमने लिया है नारियल का बुरादा और 1/4 कप ही यहाँ पे ऐड कर रहे हैं मिल्क पाउडर। और बिना कोई लिक्विड ऐड किए हुए ना तो पानी और ना ही दूध, हमने इसे ग्राइंड कर लेना है, इसे चला लेना है, इसका स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं अच्छा स्मूथ पेस्ट बना दिया है। 1 से 2 बार चम्मच चलाते हुए चलाएंगे तो स्मूथ पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स का मेजरमेंट आप कोई भी एक कप लेके ले सकते हैं। उसी कप के नाप से आपको टोटल 5 कप दूध लेना है, जिसमें से 3 का हमने छेना निकाला है। 2 कप को यहाँ पे हम अच्छे से पका रहे हैं। और भी जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो 1/4 का उसी सेम कप के मेजरमेंट से लिए जा सकते हैं। तो दूध जैसा कि आप देख सकते हैं अच्छा पक गया है। एक रबड़ी फॉर्म में गाढ़ा हमने कर लेना है, जैसे एक रबड़ी होती है इस तरह का गाढ़ा हमने कर लेना है। तो यहाँ पे दूध हमने अच्छा गाढ़ा कर लिया है। बस यहाँ पे अब ऐड कर देंगे हमारा वो पेस्ट जो हमने बना के तैयार करा है, छेना का, मिल्क पाउडर, चीनी और गोले का बुरादा, यानी डेसिकेटेड कोकोनट का। सभी चीज़ों को यहाँ पे मिक्स कर देना है हमने। तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है सारे ही पेस्ट को और बस चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम को इस लेवल पर हमने स्लो पर कर रखा है, इतने हमने इसे डाला है। और अगेन इसे हाई फ्लेम पर करते हुए हमने कुक कर लेना है। इस लेवल पे बस गैस की फ्लेम को थोड़ा सा ध्यान से हमें कम और ज़्यादा करना है जिससे कि हमारा ये मिश्रण पैन के तले पर ना लगे। तो अगेन हमने अच्छे से सब कुछ मिक्स करने के बाद गैस की फ्लेम को स्लो पे कर दिया है। और स्लो फ्लेम पर हमने इसे जब तक कुक करना है जब तक कि हमारा एक डो फॉर्म में नहीं आ जाता, इसका सारा मॉइस्चर सूख नहीं जाता है, जब तक हम इसे चलाते हुए कुक करेंगे। और बस 5 से 6 मिनट में ही आप देखेंगे कि अच्छे से ये हमारा गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। बस थोड़ा सा घी डाला है करीब 1 चम्मच, इससे हमारी रेसिपी में अच्छी शाइनिंग भी आएगी और इसे बंधने में भी हेल्प मिलेगी। घी डालने के बाद बस 2 मिनट और चलाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका अच्छा डो फॉर्म में बंध के तैयार हो गया है।
तो बस जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा भी अच्छा गाढ़ा हो गया है, अच्छा डो फॉर्म में बंध गया है। बस इस लेवल पे हमने इसे उतार लेना है गैस पर से। एक बर्तन में निकाल लिया है, 2 मिनट इसे ठंडा होने देंगे, इसकी स्टीम को रिलीज होने देंगे जिससे कि ईजिली हम इसे हाथ से टच कर सकें। और बस उसके बाद हमने थोड़ा सा इसे इस तरह से मसल लेना है, 2 मिनट इसे मसलेंगे तो अच्छा सा चिकना हो जाएगा और बहुत बढ़िया मोदक आपके बनकर आएंगे। तो बस हमने इसे अच्छा सा चिकना कर लिया है, मोदक मोड़ लेंगे, उसे भी ग्रीस कर लेंगे और हाथों को भी हल्का सा हमने ग्रीस कर लेना है घी से। और उसके बाद हम इसे कई तरीके से गार्निश करते हुए बना सकते हैं, आपको भी जैसे पसंद आए वैसे इसे गार्निश करके बनाइए। सभी तरीके से देखने में अच्छे लगते हैं और स्वादिष्ट तो ये बहुत ही ज़्यादा लगते हैं, बिल्कुल ही मुँह में खुल जाते हैं। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। यहाँ पे हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं अंदर और डाल रहे हैं ऊपर, थोड़ा थोड़ा सा बैटर अच्छे से भरते हुए अपनी फिंगर से इसे अच्छे से प्रेस करते हुए बैटर को भरना है, जिससे कि बहुत बढ़िया शेप आएगी आपकी मोदक की। और ऊपर से जो भी एक्स्ट्रा पोर्शन है उसे हमने हटा देना है। तो आप चाहें तो इस तरह से भी गार्निश कर सकते हैं अपने मोदक को। तो आप जैसा कि देख सकते हैं ये बनके तैयार है, कितना ही बढ़िया लग रहा है देखने में। चलिए तो इसे रखते हैं साइड में। आप चाहें तो मोदक मोल्ड के दोनों ही साइड पे ड्राई फ्रूट्स को इस तरह से डाल सकते हैं और दोनों ही साइड्स को आपको अच्छे से फिल कर लेना है कुछ इस तरह से। पहले हमने बिल्कुल टॉप पर गार्निशिंग करी थी, अब इसके साइड्स में इस तरह से हम गार्निश कर सकते हैं। इससे हमारे हाथ के हाथ ही काम निमट जाता है, ऊपर से गार्निशिंग की ज़रूरत नहीं होती और ना ही टच करने से ज़्यादा शेप बिगड़ती है। तो यहाँ पे हम जैसा कि आपको दिखा रहे हैं हमने साइड्स में गार्निश करा है, तो इस तरह से हमारा ये मोदक बनकर आएगा। चलिए तो इसे भी रखेंगे साइड में। यहाँ पे आप चाहें तो मोदक स्टैंड में थोड़ा सा मिश्रण डालिए, कुछ इस तरह से इसमें मिश्रण को ऐड करना है। अभी पूरा फिल नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा मिश्रण यहाँ पे हमने ऐड कर देना है। और थोड़ा सा मिश्रण ऐड करने के बाद यहाँ पे बीच में ऐड करेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो इससे क्या होगा, बीच में हमारे ड्राई फ्रूट्स स्टफ्ड रहेंगे तो उससे बहुत अच्छे लगेंगे खाने में भी और देखने में भी। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा स्पेस बीच में अच्छे से फिंगर की हेल्प से बनाते हुए हमारे अच्छे से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लिए हैं और ऊपर से भी थोड़ा सा मिश्रण भर देंगे इसके अंदर और हमारा मोदक बनके हो जाएगा तैयार। तो आप जैसे भी चाहें मोदक को बना सकते हैं, जैसे चाहें गार्निश कर सकते हैं। तो हमने एक मोदक इस तरह से बनाया है और आप चाहें तो डायरेक्ट बिना किसी गार्निशिंग के भी मोदक बना सकते हैं। बस आपको इस मिश्रण से भरना है मोदक मोल्ड को अच्छे से और आपका मोदक बनके हो जाएगा तैयार। अब आप चाहें तो इसे ऊपर से गार्निश करें या ऐसे ही सर्व करें, ये अच्छा लगेगा। और आप चाहें तो अपने इस बैटर में ड्राई फ्रूट्स को इस तरह से मिक्स कर लीजिए अच्छे से बारीक चॉप करके, और आप इस मिश्रण से भी अपना मोदक बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया लगता है। तो आप अपने मन चाहे स्टाइल से गार्निशिंग के साथ इन मोदक को बनाकर तैयार कर सकते हैं, इन्हें प्लेन भी बना सकते हैं। वैसे भी मलाई मोदक का ये मिश्रण बहुत ही बढ़िया लगता है, आप चाहें तो गणेश चतुर्थी पर इनके लड्डू बना के भी भोग लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने आपको आज बहुत ही सिंपल सी रेसिपी के साथ बना के दिखाए हैं मलाई मोदक, और वाकई इनका टेस्ट बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि बाजार के आप मलाई लड्डू खाते हैं, वैसे ही इनका टेस्ट आता है। तो एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करके देखिएगा, ये देखने में खाने में सभी तरीके से बहुत ही बढ़िया लगते हैं। और आप जैसा कि देख सकते हैं हमारे मलाई मोदक बन के तैयार हैं सर्विंग के लिए। आप चाहें तो इन्हें हल्का सा ऊपर से भी गार्निश कर सकते हैं या फिर ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। हम आपको एक मोदक कट करके भी दिखाते हैं। चलिए फ्रेंड्स वाला ही कट करते हैं जिसमें हमने अंदर ड्राई फ्रूट स्टफ़ करे थे। वैसे तो अंदर से सब प्लेन है, बस एक यही है जिसमें हमने अंदर ड्राई फ्रूट्स स्टफ़ करे। तो आप देख सकते हैं कितना ही सॉफ्ट है, कितना ही मुलायम है और बहुत ही बढ़िया टेक्सचर के साथ हमारे मलाई मोदक बनकर सर्विंग के लिए तैयार हैं। एक बार जरूर ट्राई करिए, हमारे साथ शेयर करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए। थैंक यू।